दिल्ली में झुलसाने वाली गर्मी से मामूली राहत मिल रही है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन और तेज हवा के साथ बूंदाबांदी की संभावना जताई है। इस दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने के आसार हैं। दिल्ली में धूल भरी हवाओं के साथ ही हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को इस सीजन में पहली बार न्यूनतम पारा 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है। यह बीते 6 सालों में 5 जून का सबसे ज्यादा है। इससे पहले साल 2018 में 5 जून को न्यूनतम तापमान 31 डिग्री रहा था। अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा यानी 44 डिग्री दर्ज किया गया। बुधवार को दिल्ली के कई इलाकों में लू भी चली, जिससे वहां तापमान भी ज्यादा दर्ज किया गया। दिल्ली के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री तक रहा। नजफगढ़ बुधवार को सबसे गर्म इलाका रहा, जहां का अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार यानी आज दिल्ली के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चल सकती हैं, इसलिए गुरुवार को दिल्ली के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की कमी हो सकती है। यह 42 डिग्री के आसपास रह सकता है। न्यूनतम तापमान गुरुवार को 30 डिग्री रहने के आसार हैं।